है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दिवाली का आज तीसरा दिन है और दूसरा दिन में तो ग्रहण लगा था, तीसरा दिन में आज गोवर्धन की पूजा होती। तो आप सभी को मेरी फैमिली और मेरी तरफ से हैप्पी गोवर्धन। और गाइस, आज गोवर्धन के दिन कृष्ण भगवान का गोधन धराता है को अपने गौशाला में, तो रखते हैं। जो भी हमारे इधर जिस प्रकार से दिवाली मनाते हैं, गोवर्धन की पूजा होते हैं, वो चीज़ सब शो कराएंगे। अभी जो भी चीज़ होता जाएगा मैं आपको शो कराते जाऊंगा। एंड गाइस अभी का सीन ऐसा है कि मम्मी गोधन धर रही है। जो हमारे इधर ऐसा होता है कि जब दीपावली के सेकेंड दिन जो होता है गोवर्धन की पूजा की जाती है, तो पहले गोबर का गोधन धरा जाता है जो कृष्ण भगवान की पूजा होती है। तो यहाँ पर अभी गोधन धर रही मम्मी, पहले चौक पूरा जा रहा है, इसको चौक पूरते हैं बोलते हैं हमारे इधर। तो मम्मी चौक भी पूर रही, आटा है ये और साथ में रंगोली दोनों मिक्स की है। और इसके बाद में गोबर का गोला बना बना के इसमें रखा जाएगा, उसको गोवर्धन कहते हैं। सभी का सीन ऐसा है कि गोवर्धन धरा चुका है, मम्मी ने धर के कम्प्लीट कर दी है और अब गोवर्धन की हम पूजा करते हैं। चलो, सबसे पहले मम्मी ने टीका लगा दी है, हम भी टीका लगाएंगे और उसके बाद में आरती कर रहे हैं। एंड गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि गोवर्धन की पूजा हो चुकी है, मम्मी के साथ में मिलके हमने कर लिए हैं। और इसके बाद में जो होने वाला है वो बड़ा धमाकेदार सीन होने वाला है, क्योंकि पूरे गाय बैल की पूजा होती है और देवाधामी की पूजा होती है और पूरे मिलके गाय बैल को खिचड़ी खिलाया जाता है, बड़ा बनता है और बहुत सारे 17 प्रकार के आइटम मिला के उनको गाय बैलों को खिचड़ी खिलाते हैं। तो शाम को बहुत ही खतरनाक मोमेंट रहेगा गाइस, तो बने रहो पूरा ब्लॉग में एंड तक। एंड गाइस, अभी मोहल्ले तरफ घूमने जा रहा हूँ कि उधर कैसी तैयारी चल रही, चलो देख के आते हैं। ऐसा है कि इधर गोधन धरा आ रहा है, तो मैं इनसे आरती नहीं गीत गा के बताएंगी। हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली आपको भी। कहाँ के ले जा रहा है? सो गाइस, राहुल आया था, वो इधर जा रहा था कहीं कुर्सी ढान तरफ ट्रैक्टर लेके बखरने के लिए, तो मैं उधर मोहल्ले तरफ था, तो अब भी आया, उसे मिला, फिर वेट करवाया, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, मिला तो बहुत अच्छा लगा। अभी का सीन ऐसा है कि मैंने पड़ोसन को बुलवा के लेके आया हूँ रंगोली डलवाने के लिए, तो बड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में मानी गाइस। जमो नहीं, आप देख सकते हैं संध्या एंड संदीप दोनों जन ही बड़ा को बांट रहे हैं और ये लोग कुटुर कुटुर देख रहे हैं, जो भी देख रहे हो। आज के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए गाइस। गाइस लग ही नहीं रही है, गैया नहीं लग रही है, गैया नहीं दूध नहीं लग रही है, गैया नहीं। सो गाइस, शाम हो चुकी है और चलो दिया जला लेते हैं। ये रहे दिया। तो अभी हमने दिए सिलगा लिए हैं, अब ये दिए को हम रख देते हैं अच्छे से ना। तो पहले तो हम रख के आएंगे चौतरी में, है ना गाइस। दूसरा दिया हम रखेंगे गोवर्धन में, आ जाओ। ये रहे गाइस गोवर्धन जी, तो हम यहाँ पर दिया रखेंगे गोवर्धन के पास में, ये देखो। चलो, सो गाइस, हमने दिया रख दिया है, अब चलो रंगोली बनाते हैं। थोड़ी सी रंगोली बची है तो रंगोली बना लेते हैं। ये रंगोली डाली थी पड़ोसन ने, बच्चे लोग यहाँ पर खेल रहे थे ना गाइस, पूरा मिटका दी, इसमें खून दिए थे ना तो पूरा मिटका है, तो ये मैं फिर से मैं डालूंगा। गाइस, बन के कम्प्लीट हो चुकी है और करीब से मैं आपको शो कराता हूँ कि मैंने कैसे रंगोली बनाई है। आओ आओ,
गाइस मैंने ये दिया बनाया है और ये हैप्पी दिवाली करके लिखा हूँ और संध्या की रंगोली देख लो यार, वाह काबिले तारीफ। और मेरी रंगोली धत तेरी की। संध्या की तो तारीफ करना पड़ेगा गाइस। सो गाइस वो समय आ चुका है, अब हम खिचड़ी खवाने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मिलावट पूरा कर रहे हैं, बड़े चावल दाल पूड़ी सभी को मिलाया गया है। मिलाने के बाद में हम पूरे गाय बैल को पूजा पाठ करके खिचड़ी खिलाएंगे। तो चलो ये रहे फटाका, और इस फटाके का चखना चूर होने वाला, पूरा ख़त्म कर देंगे, थोड़ा बहुत बचाएंगे। मैं चलो भाई स्टार्ट कर। ओ भाई हम खिचड़ी खिलाने वाले हैं, यहाँ पूजा पाठ हो चुकी है, आप देख सकते हैं भैया जो हैं अभी पानी छाटन कर रहे हैं सभी का, और उसके बाद में ये खिचड़ी को हम खिलाया जाएगा। यहाँ पर ये रहे, आज इनका बेस्ट त्यौहार है, गोवर्धन की पूजा होती, साथ में गौ माता का सबसे बेस्ट दिन होता है। मारू मारू माती कयो रे रामा, मारने वालो रे कौन, रने वालो रे जेरे भगवान, रे जेरे पे उतरे ग्वाल। रे खिचड़ी रे भैया रे पर आयो राजू, हाँ पूछ को रे आयो। ये सबसे खतरनाक बेल है जिसे हम बगलू कहते हैं, बगलू। सो गाइस अब मैं खिचड़ी खिलाने जा रहा हूँ, और जैसे भी टूटी फूटी मेरे को गीत बनेगी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट। तो कहा भैया, और इसका नियम ऐसा रहता है भाई, खाते जाओ और उनका झूठा खाते भी जाते हैं गाइस हमारी तरह। रुमा रुमा ती कयो रे रामा, मारने वारो रे कौन, मारने वारो रे सिर भगवान, रे सिर पे उतरे ग्वाल। रे भैया ऐसा सीन होता हमारे घर में कि आस पड़ोसी जो घर होते हैं ना, तो उनके घर में जा जाके खिलाया जाता था हमें। हम अभी दूसरे घर में आए, आई दीवरिया रे, आई दीवरिया रे, हमको नहीं आवे रे गीत। सो गाइस हमने ये अनारदाना लेकर आया, अब ये अनारदाना का हम चखना चूर करते हैं, और बाकी उसके बाद में देख लो गाइस क्या होने वाला है। तो जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जल्दी करो जल्दी करो, दिवाली जो आज की रात करे दूर अंधेरा। अभी मोहल्ले तरफ घूमने आया हूँ, और देखो मोहल्ले तरफ क्या नजारा है, ये घर भी ये घर भी ये घर भी। घूमते हम पहुँच चुके हैं मोहल्ले वाले मकान तरफ, और जहाँ पर घुसते हैं और देखते हैं नज़ारा क्या है माहौल। और अभी तो कोई हाँ नज़र आ रहे हैं गाइस, अंदर देखते हैं शायद काम चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है, अरे चालू ही है गाइस पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं। जीजा के घर में आए और जीजा के घर के अंदर घुसेंगे और बड़ा ट्राई करेंगे। जीजी एक बड़ा दे दे बस। गाइस दीदी भी बंदूक चला रही है, फटाका तो फोड़ जाते भूल बैठने मामा लो तुम गा रहे वो देखिया तुम गाओ मामा जी है? आप गाओ मैं गाऊं हाँ गाओ। आएगा भैया जाएगा रे ये राजा है रंगे कपे कहे सिंहासन रथ बैठा भारत चोरो डोला हरे किन बातें हो बस मुलाकाते हो सबको यही दे गाइस छोटा स्काई शॉट एंड गाइस 2022 की दिवाली वाकई में हम नहीं भूलेंगे। और गाइस हमारे इधर की दिवाली हम इसी प्रकार मनाते हैं, आपके इधर किस प्रकार से मनाते हैं आप ज़रूर बताओ। और गाइस इस ब्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे, आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हो हाँ गाइस इसके बाद में जो ब्लॉग आएंगे ना धमाकेदार, क्योंकि लगातार एक हफ्ते बिल्कुल इतने खतरनाक ब्लॉग आने वाले, मैं सच बता रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी से।
आप जल्दी से सब्सक्राइब करो, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए संदेशा।